हेलो दोस्तों, आप सभी का सोनम की रसोई में स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं आज एकदम नई रेसिपी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमने यहाँ पर बॉयल आलू लिए हैं जिसे मैंने कद्दूकस कर दिया है। तो आप जितने लोगों घर में उस हिसाब से आप ले सकते हैं आलू। तो यहाँ पर मैं ही थी तो मैंने अपने लिए ही एक आलू से बनाया था। एक आलू यहाँ पर कम से कम 6-7 पीस तो बन ही सकते हैं आराम से। तो मैंने यहाँ पर लिए ताज़ा फ्रेश मटर। यहाँ पर हम करेंगे कद्दूकस अदरक एक इंच के बराबर लेना है हमें। तो यहाँ पर हम डाल दिए थोड़ा सा धनिया, 2 प्याज बारीक कटे हुए, यहाँ पर हमने लिया है करी पत्ता, इससे हमारे आलू के मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने डाले आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, अजवाइन आधी चम्मच, जीरा आधी चम्मच। इसी तरीके से हमको डाल देना है। यहाँ पर हमने डाला खटाई पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से मैश कर दें या ऐसे चम्मच की सहायता से। तो मुझे हाथ से कुछ ज़्यादा बेस्ट लगता है इसलिए मैं हाथ से इसे मैश कर दी हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है एक प्लेट, उस पे डालेंगे हम बेसन 1 बड़ा चम्मच, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बेसन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कर रहे हैं घोल तैयार। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से थोड़ा सा पानी डाला और इसका घोल तैयार कर रहे हैं। तो आप इसे किसी बड़े बर्तन में भी कर सकते हैं या छोटे में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में बेसन का घोल तैयार किया है। तो हम बनाने जा रहे हैं सैलो फ्राई ब्रेड पकौड़ा। इससे हमारे तेल की बचत भी हो जाती है और हमको नुकसान भी नहीं करता है। तो अगर आपके घर पर आए हुए मेहमान ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तेल खाना, जैसे कि रिफाइंड तेल किसी किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और वो कम तेल पे कुछ नाश्ता बने जिससे वो खा सके हेल्दी और टेस्टी, तो हमने यहाँ पर आपके लिए बनाया है हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, सैलो फ्राई ब्रेड पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा सोक करता है इसलिए हमने इसे सैलो फ्राई करके आपको वीडियो शेयर किया है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे रिफाइंड। तो वहाँ पर हमने ब्रेड को अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम तेल को ऐसे फैला देंगे। आप चाहे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल गरम होने देते हैं। तब यहाँ पर हमने जो ब्रेड काट लिए थे उसको हम ऐसे ले लेंगे हाथ में और जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है इसमें हमें इस तरह से लगा देना है। तो इसमें आप कुछ सब्जियाँ भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा ब्रेड ले लिया, इसे हम इस तरीके से दबा देंगे। सच में बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें।
तो इस तरीके से हमको इसमें आलू लगा देना है। और हम यहाँ पर जो प्लेट पर घोल तैयार किए थे उस पर हमने डाल दिया था करी पत्ता, तो देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी अच्छा। तो इस तरीके से हम डिप कर लेंगे अपना ब्रेड। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है तो इसमें रख देंगे हमें अपना ब्रेड पकौड़ा सिकने के लिए। तो इसी तरह हमको सारे ब्रेड पकौड़ा तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ, एकदम आसानी से बन जाता है इस तरीके से। हमको तवा देना है, तो हमारा जो है ब्रेड पकौड़ा ये बन गया है। तो उसमें डालेंगे हम बेसन के घोल पे डिप कर लेंगे उसे, और फिर तवा पे सेकने के लिए रख देंगे। तो लीजिए हमारा दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह हमको सेकना है धीमी आंच पर। तो इसे हम पलट देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये छन्नी, इसे मैंने ढक दिया है। तो छन्नी मैंने हटा दी थी, अब इसे भी हम पलट देते हैं। तो इसी तरह हमें मोड़ लेना। तो देखिए कितना अच्छा ब्रेड पकौड़ा का हमारे कलर आया है। सच में आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे कि आप तेल में फ्राई करके बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा, उससे भी अच्छा बना है ये सैलो फ्राई। कम तेल और हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएं। तो हम डेली ज़्यादा तेल नहीं खा सकते, तो कभी कभी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, कम तेल का यूज और नाश्ता भी बहुत ही लाजवाब। तो इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे चारों तरफ से, ताकि अच्छे से सिक जाए, कहीं पर कच्चा ना रह जाए। तो आसानी से हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। अगर आपका ब्रेड पकौड़ा हिल रहा गिर रहा है बार बार, तो आप उसे चम्मच की सहायता से टिका सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिफाइंड और डाल देते हैं। ताकि जो कच्चापन हो अंदर का वो अच्छे से सिक जाए। बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और आप फटाफट से बना सकते हैं। इसी तरह हम इसे पलटते पलटते रहेंगे। किस किस को ब्रेड पकौड़ा पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी उसका भी कमेंट आप ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे जो ब्रेड पकौड़ा हैं वो फ्राई हो चुके हैं, कितने कम तेल में, और हमारे ये ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो गए हैं। तो हम इनसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और इसे सर्व करेंगे टोमेटो केचप या ग्रीन चिली के साथ। ग्रीन चटनी भी आप ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो लीजिए हमारे जो हैं ये बनकर रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, देखिए आप कितना अच्छा बना है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक से जरूर